खुश रहो, बहू के हो जाता है। ये देखिए डुगू अभी गोर भी लग दिए नाना जी को। दस परिवार में रहेंगे तो दुख सुख बुलाए रहेंगे, गोल फिर रहेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बजे सुबह के साथ आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ना डुगू साहब उठकर ब्रश करने लगे हैं। ये देखिए, ये हीरो क्या हुआ, हमसे गुस्सा भी है ये, और ब्रश को ना सिर्फ चिबाते रहते हैं, करते भी नहीं अच्छा से, चिबाते हैं खाली और काई नहीं करते हैं। और इधर इनका ये दातुन कर रहे हैं अभी। बताइए कब क्या करें, हम फेंक देते हैं तो। और अभी ना सुबह सुबह ज्यादा फटाफट सारा तैयारी कर लेते हैं। आज जो है पापा को भी आना है तो उसके लिए फटाफट नाश्ता ही बनाना है और सारा काम कर लेना है। इधर साइड में ये झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिए। और ये क्या हो रहा है इधर, आपको बाहर वॉश करना है ना, अंदर में कहाँ से आ गए? और हम किचन में आटा सान रहे हैं, भुजिया कट रहा है आलू का और भिंडी का। और डुगू कहाँ गए? बाहर बाहर खेल रहे हैं। बाहर सो गए? ये हीरो बाहर बाहर खेलना सुबह सुबह कुची खेल रहे सुबह सुबह बाहर बोल रहे कुची। अब कुछ खाया कि बस इसी बस करके भाग गए? इधर आयुषी भी है, इधर आयुष भी, तो सब बच्चा लोग यहाँ बाहर में ही खेल रहे हैं आज। आज क्या बात है, तो बाहर में खेलना शुरू कर दिए बालू में? आई थी परी, अच्छा आई थी हाँ, तो देखे तो लगे चिल्ला ना, तो गेट खोल दिए सब चल गए। तो अभी देखिए पापा घर पे आ गए हैं। अरे नाना जी डुगू भाग रहे हैं, नाना जी गोल लगवाइए ऐसे, नाना जी गोल ऐसे ऐसे, नाना जी आशीर्वाद देंगे बेटा ऐसे। ये देखिए डुगू अभी गोर भी लग दिए नाना जी को। गाड़ी चलेंगे अभी, आइए इधर, चलिए खाना खा चलेंगे, खाना खा के आइए। रूबी इधर पापा के लिए चना सेब ये सब लेकर खड़े हैं, और इधर पापा भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब सब निकाल रहे हैं दवा वा अपना खाने के लिए। और सुनिए ना फटाफट से नाश्ता निकाल दीजिएगा पापा, थोड़ा सा है खाइए, नाश्ता निकालिए ना पापा। का हुआ, का हुआ, ये मेरा हाथ पकड़ कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ जाना आपको? कुछ नहीं उसमें बेटा। अभी देखिए पापा के लिए सुबह का नाश्ता निकल चुका है, भुजिया है, एक जलेबी है, और इधर दही और रोटी। सुबह सुबह नाश्ता, सुबह पापा रोटी ही खाते हैं। तो नाश्ता कर दवा खाइएगा। का माला गंठी लेकर बैठे हुए हैं? अरे डुगू खिला रहे हैं जलेबी, पापा के छिल लिए। खाना पीना रेडी हो गया? बस 10 मिनट और तो ये पापा आराम कर रहे हैं। अभी बाहर से आए हुए हैं तो थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, प्लस में आते आते सफर में थकान हो जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये देखिए कितना मस्ती कर रहे, गाड़ी गर्म होगा ओ तो। मछली हम सोचे कि नहीं बनाए आप, ये और ग्रेवी लगाना बाकी है। आज पता है ये मछली बनाने के लिए काका किया बता दीजिए तनी। ये बना नहीं पा रहे थे फिर भी किसी तरह से बनाए हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। और इसमें क्या है? चटनी। अच्छा चटनी बना दिए हैं। और इधर चावल, तो इधर पर सब चावल बना दिए, इतना बड़ा हो गया धनिया पत्ता हमारा। बताइए ये तो लग रहा है कि अब फर गए ना। देखिए क्या कर रहे, देखिए 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 चोट लगा तो कहाँ होगा उसका हल। ये देखिए क्या कर रहे हैं अभी, आपको चोट नहीं लगेगा इसे जब कर रहे हैं? जाइए नाना जी पास जाइए, नाना जी बुला रहे हैं आपको। हाँ जाइए, चल दिए नाना जी के पास। ये जो धनिया पत्ता है काफी बड़ा बड़ा हो गया। ये हम लोग चटनी ना खा रहे हैं, अच्छा देसी भी नहीं बना रहे कि देसी में सब डाल के यूज करके खत्म कर दे। इनको खुद ही अच्छा नहीं लगा तो हम रेसिपी इसीलिए मना कर दिए बनाने के लिए। हम लोग जाने वाले हैं घर,
बस हाला मत कीजिए, घर जाने वाले हैं तो इनको क्या कह रहे हैं, डुगू को भी रेडी कर दे रहे हैं, सारा सामान पैक कर लिए हैं। आज नहीं जाना है, कल सोचना है आपको जाने के लिए, कल इनको जाने के लिए सोचना है और आज ही से टेंशन में है। टेंशन में खुश है, खुश है और ये देखिए कितना खुश है, से पीछे वाले उधर गए हैं और ये फूल तोड़ रहे हैं। अभी हो जाएगा जीतने में ना। हाँ तो काफी है, ज्यादा क्या करना है। और ये सब सूख गया है, पटाना था यार, नहीं पटा पाइएगा, इतना कड़ा धूप है ना आजकल, जो नहीं पटा पाइएगा, बंदर है ना घर यार। ये चलो तोड़ मत इसको, चलो आजा, चलो नाना जी बुला रहे हैं डुगू आपको। सूखा कुछ रहने दीजिएगा, पापा को खाना होगा। मछली खाने में कितने एक्सपर्ट थे हैं, अभी उनको ऐसा लग रहा है मन नहीं कर रहा खाने का। बताइए अभी तो पता है चिकन में इशू चल रहा है। इतना रहने देना, इतना खा जाइएगा पापा आप। और अभी जो है हम लोग चिकन नहीं खा सकते हैं, पता है देहाती चिकन में भी ऐसा होता होगा क्या? सिर्फ बॉयलर में है, इधर मत ही ढांस लग रहा है कि कहाँ आ गया से। अब हमको कहाँ लेके जाएंगे ये ढांस है, फिर ये हमको लेके जाएंगे, कुछ नहीं बेटा उसमें। दोस्तों ये खाना निकाल चुके हैं और इधर रहा मछली, कल छूल से निकालते हैं इसको। दोस्तों ये रहा खाना और अभी है मछली है, चावल है और टमाटर की चटनी। और नमक भी चाहिए तो पापा बोलिएगा ना, सलाद का सलाद नहीं काटे थे ना। डुगू साहब जो है ना सो नहीं रहे हैं, खाली बदमाशी कर रहे हैं, सिर्फ बहाना कर रहे हैं, रो रहे हैं। रुबी भी डुगू को संभालने के ऊपर है। क्या हुआ रुबी, क्या हुआ? भाग गए। ये देखिए कहाँ पे खाना खाना आपको, नाना साथे, नाना जी साथे जाइए खाइए। अभी देखिए नाना जी साथे कैसे खाते हैं, रोटी खाते हैं छीन के और चावल नहीं खा रहे हैं। दोस्तों शाम हो चुका है, 4:45 बज चुके हैं और अभी इस समय डुगू यहाँ पर सोए हुए हैं और पापा भी यहाँ पर सोए हुए हैं, थक गए थे। और रूबी जो है कुछ कपड़ा जो है सब सजा सजा कर रखते रहे, ये सब यूज वाले कपड़े आपको नहीं है? गर्म कपड़ा है तो जितना भी गर्म कपड़ा था ठंडा के समय के लिए, अब तो गर्मी का ऐसे भी समय आ गया तो सारे पैक करके रख दे रहे हैं। जो को सोने का मन नहीं था वैसे ही दिखा रहे थे गाना, दिखाते दिखाते सो गए। तो बंद कीजिए फिर। दोस्तों आज जो है डुगू साहब अपना असली चेयर पर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। ये भगवान, रोते बिल्कुल अच्छा ही लगते डुगू आप। और ये अभी अनार खा रहे, थोड़ा शरीर में जान है। चलो घूमे, चलो चला घूमे, चला चावल पिन का हो जा। नहीं बैठ पाएंगे, छोड़ दीजिए, नहीं बैठ पाएंगे उस पर। ये जब भी सो के उठते ना है तो एकदम बाजा बजते ही उठते हैं। ये देखिए अभी मस्ती चल रहा है, अभी पापा सो के उठे हुए एकदम थक गए थे। और डुगू नाना जी को देखे जा रहे हैं। क्या डुगू, चलना नाना जी साथ ही घूमने? नहीं जाना आपको? हम लोग जा रहे हैं घूमने, जाना है। वो नहीं जाने वाले, उनको छोड़ दीजिए, कुछ निकाल रहे अभी। तो दोस्तों अभी पापा जो हैं बाहर में बैठे हुए हैं और रूबी जो सारा कपड़ा को देख रही सरिया रही है। अभी तो सूखल है ये नहीं, कोई फायदा नहीं है रूबी, छोड़ दीजिए उसको, हटाइए। अब इनका मूड पता नहीं कब बदल जाए, कुछ कहना नहीं है। और ये इनको जेम्स मिला है फिर भी चिल्ला रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक पैसा है, एक पैसा, एक पैसा, एक पैसा लीजिए। और अब नहीं है, खत्म हो गया, छोड़ दीजिए, प्लास्टिक को दे दीजिए ना, तो फिर ये भी रोना शुरू कर देंगे। तो रही बात, अब पापा का पता नहीं क्या मन है रहा है, एक बार जान लेते हैं।
फिर इसके बाद देखेंगे रूबी का क्या मन बनता है। वहाँ आप लोग यहाँ दो आदमी रहते हैं इसलिए आप लोग को मन नहीं लगता है, तो वहाँ रहेंगे परिवार में तो वहाँ घुल मिल कर रहेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए हम लेने के लिए आए हैं। और जाने दीजिए और चल जाएगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि वहाँ दस परिवार में रहेंगे तो अब दुख सुख बुलाए रहेंगे, गुल फिक्र रहेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यही है और इसीलिए हम लेने के लिए आए हैं। अब रूबी को वही भेज दिया कि चल जाइए वहाँ से ले आकर चल आइएगा, हम इसलिए जाने आए हैं तो याद दिया तो बढ़िया रहेगा है। डोगू भी चल जाएगा, इसको भी मन लगेगा थोड़ा सा नानी के पास घूमे फिरेगा टहले घूमेगा है। यहाँ चले यो टू आई चलता है, चलते हम आए हैं और अच्छा रहता है। और चाहिए बेटा उनको ना पता नहीं, जेम्स देख लिए नानी घर से आया है। अब भैया नानी घर से कोई चीज़ आ जाता है इनको तो चाहिए तो चाहिए, और पता है भाई भैया बोले थे पहले कि जेम्स मत भेजिएगा, ये देखने के बाद थोड़े मानते हैं, बार बार खोजेंगे जेम्स हमको दे दो। माँ सुन रहे ना, जेम्स खाने के लिए क्या बोल रहे हैं? माँ जेम्स खाने के लिए ऐसे माँ तो बुलाता नहीं है। तो पापा तो बोल रहे हैं सर अभी कैसे क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड है आपको। हमको देखिए जल्दी आप लोग आए हैं ना, इसलिए हमको क्या बोले बार बार सफर करना भी उचित नहीं है। पिछला बार देखे कि गाड़ी से आप आए तो उसी से प्रॉब्लम बढ़ गया, और हम नहीं चाहते हैं बार बार ये प्रॉब्लम हो। गर्मी वहाँ पे पता है ना वो कितना ऐसो, तो गर्मी के चलते दिक्कत है, बात समझिए मेरा। और भाई अभी कुछ नहीं कर सकता, चलिए टाइए अब घर में फिर बात वो तो हो जाता है ना, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। पहले इनको संभाल लीजिए, मम्मी पापा कर रहे हैं। घूमने जाना है, चप्पल लेकर आने का है। घूमने जाना है तो इनको चप्पल ले आइए, फटाक से पहना देते हैं। वहाँ चलना है घूमने, चल रहे हैं घूमने, चल रहे हैं। और पापा के लिए भी ले आते ना शर्ट उट भी, घूम लेंगे पापा भी थोड़ा। अब इनको जेम्स चाहिए तो चाहिए, पता नहीं इनको क्या हो गया है, पैकेट देखने के बाद इनको कुछ सब्र नहीं है, अब कहीं से ला के दो तो दो, ये सब आदत एकदम खराब हो चुका है इनका। इनका चप्पल भी आ गया अभी, अब फटाफट चप्पल पहनिए और चलिए घूम के आते हैं, अभी जेम्स आपको नहीं मिलेगा। वहां पर जैसे नाना जी साथ छीन के खाते थे रोटी याद है, सब याद है इनको। क्या ही ना ये चप्पल कैसे पहनवा रहे हैं, क्योंकि घूमने जाना है ना, इसीलिए पहले चेयर में बैठते नहीं थे, एकदम देख के डर जाते थे चेयर को। अब देखिए तो एक हीरो है, हीरो बस हो गया, छोड़ दीजिए ये घूमने जाने के नाम पर चवनिया मुस्काना आ रहा है। बाय। तो दोस्तों रही बात इनके जाने के लिए ना, तो अब सभी घर वालों मिलकर देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, उसके अनुसार से ही कुछ कहा जा सकता है, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।